नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में खेल जगत 2018 के पार्ट वन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे खेल जगत के जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम को। दोस्तों ग्रैंड स्लैम के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं टोटल एक साल में, उन सभी टूर्नामेंट के फुल विनर्स को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विंबलडन टेनिस और अमेरिकी ओपन, ये चार ग्रैंड स्लैम के दोस्तों प्रतियोगिताएं होती हैं एक साल में, तथा इन चारों ग्रैंड स्लैम के फुल विनर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस पर एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों इसको जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट विनर्स हैं इन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 से। तो दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है वह ग्रैंड स्लैम का पहला टूर्नामेंट है। दोस्तों ग्रैंड स्लैम का जो होता है वह उसका जो पहला स्लैम होता है, वो पहला जो प्रतियोगिता होती है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है। दोस्तों साल के प्रारंभ में ग्रैंड स्लैम की जो पहली प्रतियोगिता होती है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के नाम से स्टार्ट होती है, तब इसे याद कर लीजिएगा। टेनिस में वर्ष 2018 की पहली ग्रैंड स्लैम स्पर्धा होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जिसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में किया गया था, कब से कब, 25 से लेकर 28 जनवरी के मध्य, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा दोस्तों बात करते हैं इसके विजेताओं की ऑस्ट्रेलियाई ओपन के। तो दोस्तों पुरुष एकल का जो खिताब है 2018 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का, वो रोजर फेडरर ने जीता था। दोस्तों रोजर जो फेडरर हैं वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों महिला एकल का जो खिताब है वह जीता गया था कैरोलिन वोंजियाकी, जो कि डेनमार्क की हैं, उसका महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुरुष एकल की, पुरुष युगल की। तो दोस्तों पुरुष युगल का जो खिताब है वो ओलिवर मराज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और मार्टे पेविक क्रोएशिया, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों पुरुष युगल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियाई ओपन में। तो दोस्तों इन विजेताओं को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते प्रश्न हैं खेल जगत से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला युगल का जो खिताब है वो जीता गया था 2018 का टीमिया बाबोस, जो कि हंगरी की हैं, और उसके बाद दोस्तों क्रिस्टीना मालादिनोविक फ्रांस की, जो दोस्तों इन दोनों ने मिलकर दोस्तों महिला युगल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियाई ओपन का। तो दोस्तों पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के विनर्स को हमने डिस्कस कर लिया ऑस्ट्रेलियाई ओपन के। दोस्तों इनका नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, आपसे प्रश्न लगभग हर एग्जाम में खेल जगत से पूछा ही जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम हमारा है फ्रांसीसी ओपन 2018। तो दोस्तों जो फ्रांसीसी ओपन 2018 टूर्नामेंट है इसको आयोजित किया गया था पेरिस में, तथा इसका 122वां संस्करण आयोजित किया गया था, इस बात को इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों फ्रांसीसी ओपन का जो इस बार का टूर्नामेंट है 2018 का, वो पेरिस शहर में आयोजित किया गया, तथा इसका जो संस्करण है वह 122वां संस्करण आयोजित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह ग्रैंड स्लैम की दूसरी प्रतियोगिता कौन सी है, फ्रांसीसी ओपन, तब इसे याद कर लीजिएगा। तथा बात करते हैं इसके विजेताओं की। तो दोस्तों इसके पुरुष एकल विजेता हैं फ्रांसीसी ओपन के राफेल नडाल। कौन है पुरुष एकल श्रेणी के जो विजेता दोस्तों, वो हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। उसके बाद दोस्तों महिला एकल के जो विजेता रहीं वो रहीं सिमोना हालेप। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुरुष युगल की। तो पुरुष युगल की श्रेणी में जो विजेता रहे हैं वो रहे पियरी ह्यूक्स हर्बर्ट और निकोलस माहूत, ये दोनों फ्रांस के खिलाड़ी हैं, तथा इन्होंने पुरुष युगल की श्रेणी में फ्रांसीसी ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीता था। आगे बढ़ते हैं हम अगला दोस्तों महिला युगल। तो दोस्तों फ्रांसीसी ओपन का जो महिला युगल खिताब है वह बारबरा क्रेजसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा दोनों ने मिलकर दोस्तों महिला युगल का खिताब जीता था इस बार का फ्रांसीसी ओपन, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी विनर्स हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों ग्रैंड स्लैम की। तो अगली ग्रैंड स्लैम हमारा विंबलडन टेनिस 2018। तो दोस्तों तीसरा जो साल का ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो खेला जाता है विंबलडन टेनिस 2018, आप इसे याद कर लीजिएगा। वो क्रम भी पता होना चाहिए कि पहला ग्रैंड स्लैम कौन आयोजित किया जाता है। पहले ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है फ्रांसीसी ओपन, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है विंबलडन टेनिस 2018। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है विंबलडन टेनिस का वो किया गया था लंदन में। कहाँ, लंदन में दोस्तों 132वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था, तब इसे याद कर लीजिएगा। तो बात करते हैं इसके पुरुष युगल एकल विजेता की। तो दोस्तों विंबलडन टेनिस का जो पुरुष एकल विजेता थे इस बार के, वो नोवाक जोकोविच थे, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस बार का विंबलडन टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीता था। उसके बाद दोस्तों महिला एकल के श्रेणी में खिताब जीतने वाली हैं विंबलडन की एंजेलिक करबल, जो कि जर्मनी की हैं,
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुरुष युगल की। तो दोस्तों पुरुष युगल की श्रेणी में मार्क ब्रायन और जैक साक दोनों अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने दोस्तों इस बार का विंबलडन टेनिस 2018 का ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। तो पुरुष युगल आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों महिला युगल की। तो दोस्तों महिला युगल की श्रेणी में दोस्तों विंबलडन का जो खिताब है वो जीता गया था बारबोरा क्रेसिकोवा और कैटरीना सीनियाकोवा दोनों चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर महिला युगल का खिताब जीता था विंबलडन टेनिस 2018 का। तो आप इन विनर्स को आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं लास्ट में जो ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है लास्ट के वो अमेरिकी ओपन 2018 है। दोस्तों क्या है जो वर्ष के लास्ट में वर्ष के अंत में दोस्तों जो ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है उसका नाम है अमेरिकी ओपन। तो दोस्तों जो अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट है वह अंतिम ग्रैंड स्लैम है। क्या है दोस्तों अंतिम ग्रैंड स्लैम है अमेरिकी ओपन जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसको आयोजित किया गया था। 138वां संस्करण इसका दोस्तों इस बार आयोजित किया गया था 2018 में। दोस्तों बात करते हैं पुरुष एकल की। तो दोस्तों पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं महिला एकल की। तो महिला एकल के जो खिताब है दोस्तों वो नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं उनके द्वारा जीता गया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अमेरिकी ओपन के पुरुष युगल का जो खिताब है वो जीता माइक ब्रायन और जैक साक जो दोनों दोस्तों अमेरिकी खिलाड़ी हैं। माइक ब्रायन और जैक साक इन दोनों ने मिलकर दोस्तों अमेरिकी ओपन का खिताब जीता जो कि ग्रैंड स्लैम खिताब है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आज का है महिला युगल। तो दोस्तों महिला युगल का जो खिताब है अमेरिकी ओपन का 2018 का वो जीता गया एस्ले बर्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं व कोको वांडे वेगे जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों महिला युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों ये सभी फुल विनर्स की लिस्ट थी चारों विंबलडन के जो टूर्नामेंट है उन टूर्नामेंट के कौन कौन से विनर हैं दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस पर एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों हम डेली एक एक सीरीज आप तक प्रस्तुत करेंगे खेल जगत 2018 से संबंधित कौन कौन सी 2018 में प्रतियोगिताएं आयोजित किए गए थे तथा उनके विनर्स कौन रहे हैं उनको मैं एक एक करके आपके सामने एक डेली प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।